बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, आज हम निम्बस सॉफ्टवेयर के अंदर लॉग इन और लॉग आउट करने का प्रोसीजर जो है वो देखते हैं कि कैसे लॉग इन और लॉग आउट करना है हमने। आप कोई सा भी न्यू ब्राउज़र खोल लें, एड्रेस जो है www.nimbusrms.com, यहाँ पे आप लॉग इन का बटन दबा दें। उसके बाद अपनी कंपनी का नाम, चूंकि हमने पहले लॉग इन किया था तो यहाँ पे सेव हुआ हुआ है, प्री सेव्ड है। आपके पास भी आपकी शॉप के ऊपर ये सेव हुआ होगा नॉर्मली, तो आप जस्ट लॉग इन कर सकते हैं। लेकिन हम इसको डायरेक्टली लिख भी सकते हैं अगर हमने पहले कभी लॉग इन नहीं किया। बट मोस्ट ऑफ द केसेस जो आपके साथ होगा, जब भी आप अपनी शॉप पे लॉग इन करने के लिए आएंगे तो पहले से ही क्रेडेंशियल्स सेव हुए होंगे। तो K&A सॉल्यूशंस कंपनी है, ये इसका यूज़र है। जो आपके पास रिटेल का यूज़र है वो आपने चेक करना है कि आपका यूज़र एग्जैक्टली क्या है। ये एडमिन यूज़र है और ये इसका पासवर्ड ऑलरेडी प्री सेव्ड है। तो ये तीन चीज़ें जो हैं लॉगिन करने के लिए चाहिए। रिमेम्बर मी, यहाँ पे इसको रिमेम्बर मी का साइन क्लिक कर दिया ताकि नेक्स्ट लॉगिन जो है वो आसानी से हो जाए। लॉगिन करते हैं आप। तो ये सेशन जो है हम लॉग इन और लॉग आउट जो है वो देखेंगे कि कैसे करते हैं। मैंने लॉग इन कर लिया है। एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन जो यहाँ पे आ रही है वो 5 डेज रिमेनिंग इन क्रेडिट एक्सपायरी। तो हमारा एक ये लाइसेंस्ड वर्जन है, ऑनलाइन हम इसको पे करते हैं, तो हमारी जो नेक्स्ट ड्यू पेमेंट है सॉफ्टवेयर को यूज़ करने के लिए, उसके लिए हमें विद इन 5 डेज जो है यहाँ पे पे करना है। तो ये लॉग इन तो हमने कर लिया। तो जनरल एक डैशबोर्ड जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे आपको नज़र आ रही है, जैसे डिफाइन आइटम है, रिसीव गुड्स हैं। लेकिन जैसे ही आप एज ए कैशियर का रोल जब आप होगा आपका, तो मोस्टली आप इस बटन को दबाएंगे जो कि है मेक अ सेल। यहाँ पे जैसे ही आप इस बटन को दबाएंगे तो सेल का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। हम अभी सेल तो नहीं डालेंगे लेकिन सेल का इंटरफेस जस्ट क्विकली दिखा रहे हैं, चूँकि ये सिर्फ लॉग इन लॉग आउट सेशन है। तो जस्ट लॉग इन करने के बाद बेसिक चीज़ जो है यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं। उसके बाद हम ये सेल आइटम है, जो भी अगर आपने चीज़ सेल करनी है तो वो यहाँ पे लिख सकते हैं और यहाँ पे उसकी डिटेल आती जाएंगी, जो कि हम आपको सेल आइटम के सेशन में दिखाएंगे डिटेल में। यहाँ पे अब हमने क्लिक किया इस साइन पे, यहाँ पे लॉग आउट को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये लॉग आउट हो जाएगा। ये मैंने क्लिक किया इसको और अब ये लॉग आउट हो गया। क्योंकि ये सेव हुआ हुआ था तो मैं इसको लॉग इन के बटन को दबाऊंगा तो फिर ये लॉग इन हो जाएगा। इसमें जो बहुत एक ज़रूरी चीज़ आपको याद रखनी है, विच इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, वो है कि ये लॉग इन जो है आपने गूगल क्रोम के ज़रिए करना है। ये हम ब्राउज़र जो यूज़ करते हैं ये गूगल क्रोम का ब्राउज़र है। वी डोंट यूज़ एनी अदर ब्राउज़र। गूगल क्रोम के अलावा हम दूसरा कोई सॉफ्टवेयर जो है ब्राउज़र का यहाँ पर इस्तेमाल नहीं करेंगे। थैंक यू।